मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बुक वर्क एंड नोटबुक वर्क ऑफ चैप्टर 14, चेंजेस इन आर एनवायरनमेंट. सो लेट अस स्टार्ट विथ बुक वर्क. ए पार्ट, टेक द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल? इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल होता है? दैट इज बनाना पील. Because plastic bag, glass bottle, plastic containers are non-biodegradable waste. Okay. Second one is, to prevent pollution, you must, pollution को prevent करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? We must segregate waste. Third one is, what causes water pollution? Water pollution का क्या reason है या what is the cause? Chemicals from factories released in water. ओके, जो केमिकल्स है फैक्ट्रीज में से उनको वाटर में रिलीज किया जाता है. बिकॉज ऑफ दैट वाटर पोल्यूशन टेक्स प्लेस. नाउ बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. गैसेस, स्मोक, फ्यूम्स एंड डस्ट आर डैश पोल्यूटेंट्स. गैसेस, स्मोक, फ्यूम्स, डस्ट, ये कौन से पोल्यूटेंट्स हैं? एयर पोल्यूटेंट्स. वाटर पोल्यूटेड बाय केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज अफेक्ट्स डैश लाइफ. वाटर जब पॉल्यूटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ केमिकल्स डैट इज रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज, इट इफेक्ट्स विच लाइफ द मोस्ट? मरीन लाइफ. वेस्ट विच रॉट्स इज नोन एज डैश वेस्ट. जो वेस्ट रॉट हो जाता है वो कौन सा वेस्ट होता है? डैट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. फोर्थ वन इज सेव डैश बाय स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स. बाय स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हम क्या सेव कर सकते हैं? एनर्जी. वी शुड यूज़ डैश बैग्स एज दे आर बायोडिग्रेडेबल. हमें कौन से बैग्स का यूज़ करना चाहिए? बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल. प्लास्टिक और क्लोथ, दैट इज क्लोथ. ओके, सेकेंड वन इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. नेम द फॉलोइंग हार्मफुल सब्सटेंसेस विच कॉज पॉल्यूशन. वॉट आर द हार्मफुल सब्सटेंसेस विच कॉज पॉल्यूशन? पॉल्यूटेंट्स. अनवॉन्टेड थिंग्स. Unwanted things are waste. Waste which cannot be decomposed. कौन सा waste होता है जो हम decompose नहीं कर सकते? That is non-biodegradable waste. The three R's. What are the three R's that we have read in this chapter? Reduce, reuse and recycle. To convert waste into reusable materials. What was the procedure to convert waste into reusable material? That is recycling or recycle. Okay. Second one is give two reasons for each. आपको two reasons देने हैं for both the parts. Causes of air pollution. What are the causes of air pollution? Smoke released from fire and burning of fuels. And what is the second reason for air pollution? Smoke from automobiles, factories, power plants and waste incinerators are the major reasons for the cause of air pollution. Then what are the causes of water pollution? Water pollution ka cause kya hota hai? Waste and garbage thrown in lakes and rivers. And second one is oil spills and industrial waste spills are the reason of water pollution. Now let us discuss long answer questions. What is acid rain? Acid rain क्या होता है? Harmful gases mix with water vapor in the air and forms acid. When it rains, these acids combine with raindrops. In this chapter we have read that जो harmful gases हैं वो water vapor के साथ mix हो जाती हैं in the air. And after that वो क्या होता है? एसिड फॉर्म कर जाती है. और व्हेन इट रेन्स दीज एसिड्स कंबाइंस विद रेन ड्रॉप एंड फॉल ऑन द अर्थ. जब भी रेन होता है तो यही जो एसिड्स हैं ये रेन ड्रॉप के साथ अर्थ पे फॉल डाउन होती है. दिस काइंड ऑफ रेन इज नोन एज एसिड रेन. व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? सो दिस इज वेरी इजी. दोज वेस्ट विच कैन बी इजीली डिकम्पोज्ड आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. दिस चैप्टर वी हैव रीड दैट द वेस्ट जो इजीली डिकम्पोज हो जाती है उन्हें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोला जाता है. दीज वेस्ट रॉट एंड टर्न इनटू मैन्योर. ओके, हाउ कैन यू सेव फ्यूल? आप फ्यूल को कैसे सेव कर सकते हो?
We can save fuel by walking short distances, using bicycles and public transport. Then fourth one is, why should you send newspapers for recycling? हमें newspapers को recycling के लिए क्यों send करना चाहिए? We should send newspaper for recycling to curb pollution and making maximum utilization of products. Pollution को curb करने के लिए and products की maximum utilization के लिए हमें newspapers को recycle करना चाहिए. What harm do glass bottles and metal cans cause? Glass bottles or metal cans किस तरह का हार्म करती हैं? ग्लास बॉटल्स एंड मेटल कैंस आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. एज वी नो दैट बोथ दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड इट कैन नॉट बी डिकम्पोज, सो दे कॉज इमेंस लैंड पॉल्यूशन. एंड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसीलिए ये क्या करती है, ये लैंड पॉल्यूशन करती है. वॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या होते हैं? Global warming will melt all the ice at the poles. Slowly and steadily, global warming has become the reason of melting of ice, increase water levels in the ocean, and because of that, water level in the oceans will increase and large area of land will be flooded. और जो large area है land का, इसमें flood रहेगा, there will be destruction all around. और because of global warming, all around destructions ही रहेगा. Explain the phenomenon of greenhouse effect. आपको greenhouse effect का phenomenon बताना है. A greenhouse is a glass enclosure used in cold climate to grow plants. We have read in this chapter that जो greenhouse है वो एक glass enclosure होता है जो cold climate में use किया जाता है just to grow plants. Glass blocks and heat waves but allow light to enter the enclosure. जो glass blocks होते हैं वो हीट वेव्स को तो ब्लॉक करते हैं बट वो लाइट को एंटर करने देते हैं. द लाइट एनर्जी हीट्स द इनसाइड. जो लाइट एनर्जी होती है वो इनसाइड क्या करती है, हीट कर देती है. द एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ बिहेव्स जस्ट लाइक अ ग्रीन हाउस. जो एटमोसफेयर होता है हमारे अर्थ का वो भी ग्रीन हाउस की तरह ही बिहेव करता है. ड्यूरिंग द डे द सन शाइन्स थ्रू द एटमोसफेयर. एट डे टाइम जो सन है वो शाइन करता है थ्रू द एटमोसफियर. द अर्थ सर्फेस वार्म्स अप इन द सनलाइट. और जो अर्थ सर्फेस है वो वार्म अप हो जाता है सनलाइट में. एट नाइट अर्थ सर्फेस कूल्स. नाइट में अर्थ सर्फेस कूल डाउन हो जाता है रिलीजिंग द हीट बैक. और वो हीट को रिलीज करता है इन टू द एयर. बट सम ऑफ द हीट इज ट्रैप्ड बाई ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमोसफियर. बट जो कुछ हीट है वो ट्रैप हो जाता है ग्रीन हाउस गैसेज एटमोसफियर में. That's what keep our earth warm. And because of that, हमारा earth जो है वो warm रहता है. And this is known as greenhouse effect. And one more thing, because of greenhouse effect, life is possible on earth. Okay, students? What are the causes of global warming? Global warming के causes क्या हैं? What would happen if the earth's temperature continues to increase? और अगर अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा तो क्या होगा? एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एयर रिजल्ट्स इन मोर हीट बीइंग ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर. जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेज का अमाउंट इंक्रीज होगा एयर में तो जो हीट है वो ज़्यादा ट्रैप होगा एटमॉस्फेयर में. इट लीड्स टू एन ओवरऑल राइज इन द सर्फेस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ अर्थ. और जिससे जो सर्फेस है अर्थ का टेम्परेचर का उसका क्या होगा, सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा. एंड दिस इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. एंड इफ द टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग सो व्हाट विल हैपन, द आइस पोल्स विल मेल्ट, वाटर लेवल इन द ओशन विल राइज एंड लार्ज एरियाज विल गेट फ्लडेड. पोल्स जो है आइस पोल्स वो मेल्ट हो जाएंगे, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा ओशंस में एंड लार्ज एरियाज ऑफ लैंड फ्लडेड हो जाएगा. देयर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑल अराउंड. और ऑल अराउंड देयर विल बी डिस्ट्रक्शन. नाउ नाइन्थ वन इज, एक्सप्लेन हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट बाय अडॉप्टिंग द 3 R's प्रिंसिपल. हम किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं 3 R's के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करके. द 3 R's आर रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल. वी मस्ट रिड्यूस आर नीड्स. वी शुड नॉट बाय थिंग्स वी डू नॉट नीड. ओके, हमें रिड्यूस करनी चाहिए अपने नीड्स को और हमें उन चीज़ों को परचेज़ नहीं करना चाहिए जिनकी हमें रिक्वायरमेंट ना हो.
वी मस्ट बाय थिंग्स विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और हमें उन्हीं चीज़ों को परचेज करना चाहिए जिन्हें हम अगेन एंड अगेन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यूज़ कर सकें. वी मस्ट अवॉइड डिस्पोजेबल थिंग्स, और हमें डिस्पोजेबल थिंग्स को अवॉइड करना चाहिए विच वी हैव टू थ्रो अवे आफ्टर एवरी यूज़. ओके, देन थर्ड आर इज़ रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग इज़ कन्वर्टिंग वेस्ट इंटू रीयूजेबल मटीरियल. एज यू नो कि रिसाइकलिंग क्या होता है, वेस्ट को कन्वर्ट किया जाता है इंटू रीयूजेबल मटीरियल में. अ नंबर ऑफ वेस्ट लाइक ओल्ड न्यूज़पेपर्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल, प्लास्टिक्स एंड टिन्स कैन बी रिसाइकल्ड एंड टर्न इंटू न्यू प्रोडक्ट्स. ओल्ड न्यूज़पेपर, एम्प्टी ग्लास बॉटल, प्लास्टिक्स, टिन्स, इन सभी को रिसाइकिल करके एक न्यू प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. सो बाय फॉलोइंग या अडॉप्टिंग द 3 R's प्रिंसिपल, वी कैन प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डू हॉट्स. ए पार्ट इज व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर. सी दिस पिक्चर केयरफुली. कैन यू थिंक ऑफ द कॉज एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ व्हाट यू कैन सी इन दिस पिक्चर. क्या आप इसका रीजन और इसका एडवर्स इफेक्ट आप बता सकते हो. नोट डाउन द कॉजेज एंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. टॉक अबाउट इट टू द अदर चिल्ड्रन इन योर क्लास. See, this is water pollution. Okay, we are by throwing waste, the water gets polluted. It is caused because we throw plastic bottles in the lakes and rivers. The major cause of water pollution is because we throw garbage in bottles and garbage like plastic bottles and other things in lakes and rivers, and it can adversely affect the birds and animals. It affects the marine life of animals as well as it also affects the birds. Okay. B part, which causes the least air pollution. किस से least air pollution होता है? By using public transport, using of CNG, use of bicycle. So, from all these 3 option, by using bicycle, least air pollution होगा or no air pollution. Okay. So today we have completed book work and notebook work of chapter 14, Changes in Our Environment. Write it down and learn it. Thank you and goodbye.